अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वायव्यारम नमो अध्यायारम नमो लोये सवसाहुरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैतुशासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंतादि महान। देखा देखी का मार्ग नहीं है भाई। दूसरों को देखकर जो किया जाता है वह धर्म नहीं हो सकता, पर लक्ष्य से तो कर्म होता है, पर लक्ष्य से कर्म होता है, स्वलक्ष्य से धर्म होता है। मान लो इनको पूजा करते हुए देख करके हम पूजा करने तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य होगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और पुण्य भी तब होगा जब इनको देख करके पूजा करना शुरू किया परंतु इनकी ओर देखना बंद हो गया और पूजा में रम गए, कुछ अच्छा सा लगने लगा। न्याय है ना, पराश्रय से कर्म होता है, मोह होता है, राग द्वेष होते हैं, स्वाश्रय से धर्म होता है। मानते तो हैं कि मानते हैं तो ये मान्यता ही तो मिथ्या है, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। ये तो अंतर में अपना स्वरूप देखे तो मार्ग मिले, अंतर्दृष्टि के बिना मार्ग समझ में नहीं आता, मार्ग मिलना तो बहुत दूर है। बहुत लोग जिंदगी हो जाती है इनका सुन लें चलो, उनका सुन लें चलो, उनका सुन लें चलो, वहां चले जाए चलो, वहां चले जाए, बस इतने में ही लगी रहती विचार। और बहुत अच्छा, अच्छा तो तब है जब वहां रम जाओ, बस बहुत है, खत्म हो गया। विषयों को पढ़ते हैं, वक्ताओं को सुनते हैं, शास्त्रों और अनुयोगों की ओर हमारा लक्ष्य रहता है, आत्मार्थ का लक्ष्य नहीं, ये भूल रहे थे। अरे सर्वज्ञ जैसे उत्कृष्ट वक्ता भी हों तो भी स्वयं का पुरुषार्थ न हो तो क्या करे। जैसे न आचार्य ने लिखा, ब्रह्मदेव सूर्य ने भी चर्चा की है थोड़ी सी, चौथे काल में केवली भगवान भी कोई जबरन थोड़ी समझा देते थे, उंगली पकड़ हाथ पे रख करके आत्मा नहीं दिखाते थे, वे भी वाणी से कहते थे ये जो जीव जिन वचनों को सुनकर निर्णय करते अंतर्मुखी होते वे अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त होते थे। दिखाने का मार्ग नहीं है ये, देखने का मार्ग है, समझाने का मार्ग नहीं है, समझने का मार्ग है। तो आप समझाएंगे नहीं कि हाँ वही तो कह रहे हैं, समझाते समय भी तुमको ये लग रहा है इनको समझाएंगे, लेकिन सच पूछो भी स्वयं कोई संबोधन कर रहे है। कोई अगर समझाने का अभिप्राय रख करके समझाएंगे और समझे वाला नहीं समझेगा तो गुस्सा आएगी, इतनी देर होगी समझाते समझता नहीं है, अब बता गुस्सा नहीं आई फिर, और उनको तो गुस्सा नहीं आती, कोई नहीं समझे तो ना समझे, तेरा द्रव्य इसी प्रकार पढ़ने में चुका, हम क्या करें। समझ जाए तो
ठीक है, तुम्हारा प्रसाद तुम्हारी योग्यता समझ गए तो बढ़िया बात है। ऐसी भूल अपने में हो, ऐसा दोष अपने में हो, देखा देखी हम लोग बहुत करते हैं। ये रसी करते तो अपन भी करने लगो, ये ऐसा करते तो अपन भी ऐसा करने लगो, ये ऐसा कर रहे अपन। अच्छी चीज की नकल करना चाहिए, परंतु समझ करके नकल करो और उस विधि की नकल करो, उस विधि की अंतरंग की। जैसे परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी की नकल नहीं करो, ये कौन सी पुस्तकों से पढ़ता है, कौन सी अध्यापकों से पढ़ता है, किस विधि से पढ़ता है, कैसे समय निकाल करके पढ़ता है, इस बात को देखो। उसकी विनय की नकल करो, यीशु गुरुजनों की कैसी विनय है, इसको देखो पढ़ने में किस प्रकार की एकाग्रता है। कॉपी की नकल मत करो, वेश की नकल मत करो, क्रिया की नकल मत करो, अंतर की दृष्टि की नकल करो जी, देख के डरते बहिरात्मा बाहर की नकल करता है, अंतरात्मा अंतर से नकल कर रहा है। अंतर की नकल होगी तो असल हो जाएगी, अंतर से की नकल होगी माने अंतर दृष्टि उनकी हुई, जिधर उनकी दृष्टि है उस चैतन्य स्वरूप पर तेरी दृष्टि आई तो तेरी परिणति भी उन जैसी हुए बिना रहेगी नहीं। तो इसको दूसरी भाषा में बोले अपन तो क्या बोलेंगे, देखा देखी का मार्ग नहीं है, स्वयं को देखने का मार्ग है। दूसरों की ओर देखने से, फिर पहले बात दोहरा दो, दूसरों की ओर देखने से कर्म होता है, धर्म नहीं होता, पुण्य पाप होता है, वितरागता नहीं होती, राग द्वेष होते हैं, समता नहीं होती। किसी जीव को कभी बताओ दूसरों की ओर के लक्ष्य से समता आवे, दूसरों के लक्ष्य से समता आवे ऐसा है नहीं। समता तो जीव का स्वाभाविक परिणाम है, स्वभाव अर्थ पर्याय है, पर संबंध से रहित। स्वभाव अर्थ पर्याय कब होते हैं, पर संबंध से रहित। हिसाब केवल ज्ञान में भी तो सब दिखता है, अरे दिखने की बात और तुम देखने की बात, ये दोनों कैसे मिलाते हैं। केवल ज्ञान में भी तो सब दिखता है, अरे दिखता है तो तुम्हें भी दिख जाएगा, परेशान क्यों है, जिसे भी देखते हैं उसे तुम देखो और जो उन्हें दिखता है वो तुम्हें भी दिख जाएगा। 49वीं गाथा समय सार जी की में एक बोल आया ना, रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखते, स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर के स्पर्शते नहीं, गंध वेदना परिणाम को पाकर के गंध नहीं पाते। मतलब उसके लक्ष्य अलग से कुछ नहीं है, उसके पहले का वाक्य बोलना, रस वेदना परिणाम को पाकर के नहीं रह सकते, इसे इसके पहले की सर्व विषयों में साधारण संवेदन, अरे अपना स्वसंवेदन होते हुए करते हुए उस ज्ञान की स्वच्छता में सारा लोकालोक वैसे ही दिख जाता है जैसे दिखेगा तैसे। देखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, देखने के लिए विकल्प नहीं और दिख जाए तो भी विकल्प नहीं। ये ऐसा क्यों बैठा बैठा, ये ऐसा क्यों कर रहा है कर रहा है। तो जो जीव देखा देखी धर्म मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, उन जीवों को धर्म मार्ग की प्राप्ति की आशा ही छोड़ देना चाहिए। स्वयं से उद्घाटित सत्य है वही वास्तव में कार्यकारी है। दूसरी भाषा में कहें, शास्त्र में स्व कहा है वो कहा है, तुम्हें तो लगे वो आत्मा स्व है। शास्त्र में वितरागता उपाधि कही है, अरे तुम्हें तो लगे वो वितरागता उपाधि है। शास्त्र में रागादिक हे कहे हैं,
लेकिन तब तक हीरे नहीं होंगे जब तक तुम्हें नहीं भाषित होंगे। अपना भाव भाषण वही तो अपने लिए कार्यकारी होगा। इसीलिए पंडित जी ने कह दिया मानो किसी और ही की बातें करता। वेद विज्ञान की चर्चा में क्या लाइन कही है? मानो किसी और को और से भिन्न बताता है। देह और आत्मा बिल्कुल भिन्न है, अत्यंता भाव है, सदाकाल भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। ऐसा लगता है कि कुछ हम देखो बड़ी मजबूती से ठीक है भाई, देह और आत्मा भिन्न है लेकिन एक पक्ष स्व को तो बनाओ। अरे देह से भिन्न आत्मा मैं हूं, मानो किसी और को और से भिन्न बताता है। अरे नहीं भाई, देह से भिन्न आत्मा मैं हूं। राग और ज्ञान भिन्न है, अरे रागादिक से भिन्न ज्ञानमय मैं हूं, ज्ञान स्वरूप मैं हूं। दोनों को अलग ही थर्ड पर्सन में ही डाल दिया, देह भिन्न आत्मा भिन्न, तुम कौन हो? देह के आत्मा। ये देखा देखी का मार्ग नहीं। टूटर मर्जी ने एक और देखा दिया, तू देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, देखा देखी संसार को दुख रूप कहता है, देखा देखी मैं कहने लगा कि मैं आत्मा हूं, देखा देखी कहता है शरीर भिन्न है। समझ में नहीं आती, जो भिन्न भाषित होता है उससे कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। पराया लड़का यदि कुछ उपद्रव करता हो तो बेटा ये मत करो, एकदम मत करो, और नहीं माने तो खेद खिन्न होता है, कुछ नहीं क्या खेद करेंगे। और अपना लड़का नहीं माने तो खेद बता, अपना लड़का अपनी ही बात नहीं मानता। अरे अपना है कहां, अपनी नहीं मानता तो अभी तो अपना मानना नहीं छोड़ता। देखो मोह की महिमा, अपना नहीं मानता, अपने अनुसार नहीं परिणमता तो अभी अपना मानना नहीं छोड़ता। हमारे बाद का हुआ है जो सोचा, हमारे बाद का हुआ है। हमारा क्या होगा ये नहीं सोचता, हमारे बाद क्या होगा। नहीं अभी तो आप हैं, फिर आपके बाद का हुआ है, अब हम क्या बताएं क्या होगा। जिन्होंने ये स्वरूप समझा होगा वे आनंद से आराधना करेंगे, और नहीं समझा होगा तो रोएंगे, हम क्या करेंगे। बहुत से लोग भग जाएंगे कि भैया अब क्या करना है, अब क्या करना है। उनको बहुत से लोग है नहीं, इस मार्ग को आगे चलाना, परंपरा चलाएं, क्या होगा इसको सोचने से क्या लाभ है तुम्हें ये बता। इतनी ज्यादा है अपने बाद क्या हो, उसका परिणमन होगा। आज भी परिणमन हो रहा है, और अगर तुम्हें विकल्प है तो एक बात एक याद रखना, अज्ञानी चिंता करता है, ज्ञानी उपाय करता है। उपाय करो, इसके सदुपयोग का उपाय कर लो आज ही है, एक वसीयत कर लो, ट्रस्ट बना लो, जो कुछ करना है अब कर ले, बाद में क्या होए हरियाणा का होए क्या पता है। और बाद के भी क्या, तुम 10-20 साल 50 साल की क्या सोच रहे, अभी यहां से उठ करके कुछ, अरे एक लिख कर रख दो इसका ये काम खत्म। और हम दो बातें कह दें, दो दिन पहले कही है उनमें से, अगर धर्म संस्कार वाले जीवों के हाथ में होगा तो उसका सदुपयोग होगा, और विषय कसाय की रुचि वालों के जीव में हाथ में आएगा तो दुरुपयोग होगा। गाड़ी सही ड्राइवर के हाथ में होगी गंतव्य पर पहुंचेगी, और शराबी कबाबी पहुंच के हाथ में पहुंची तो क्या हो, फिर क्या हो, फिर क्या हो, फिर क्या हो, पागल हो गए, क्या होगा क्या होगा। अगर तुम इतना निश्चय वाले हो तो तुम जिस घर उसका परिणाम जो होगा सो होगा, हमें तो अपना कल्याण करना, लग जाओ अपने कल्याण में, उसका जो होगा सो जाएगा। उसके मोह में अपना क्यों हित करते हो। और अगर तुम्हें व्यवहार की बात से अगर विकल्प भी है तो
तो विकल्प है तो उसकी व्यवस्था कर लो। देखो भाई, लिखते ना ये होश हवास में हमने ये विलेख लिख दिया, खत्म हो गई बात। और उसके बाद भी ये निश्चय रखो उसका जो परिणमन है वही होगा, यानी को आएगो, को संवारेगो, को करेगो। अरे जाने क्या होगा, उस सेठ के घर में पुत्र नहीं था और कितनी संपदा थी। एक दिन मुंडा आ जाए, पूछा महाराज इसका स्वामी किसी नगर में है, धनी कुमार का जन्म होगा वो धनी कुमार इसका स्वामी बनेगा। लेकिन और कैसे बना, तो पाए खरीदे और पायों में से लेख निकला, और पायों में से लेख निकला राजा को दिखाया, राजा ने वहां गया, वहां जाकर के देख संभालो भाई हम रखाए थे अब तुम्हारे शरीर के लक्ष्य से हो। अब भाई तबीयत ऐसी है ठीक है, फिर आगे का हो बुढ़ापे में का हो वो। अरे कोई बातें हैं, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पढ़ते हो, अत्यंता भाव पढ़ते हो, लेकिन उनका प्रयोग कुछ नहीं, परिणमन होगा। देह का परिणमन कोई तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार हो या तुम्हारे विकल्प से हो ऐसा तो नहीं है, देह का परिणमन होगा। फिर क्या हो, अरे अभी क्या कर रहे हो ये बताओ। कहा था ना मोह में मत ना जो, मोही की दृष्टि बाहर है पर की ओर है, ज्ञानी की दृष्टि अपनी ओर है, बस इतना ही तो अंतर है। वो सोचेगा इसका क्या होगा और वो सोचता हमारा क्या होगा, इन्हीं विकल्पों में पड़े रहे और देह छूट गई और नहीं छूट गई उससे क्या मतलब, देह तो छूटी हुई है। ध्यान रखना ऐसा नहीं है देह छूट गया है तभी कछु होगा, देह है अभी तुम्हारी, उस समय भी तुम्हारे इन विकल्पों से कर्म बंद हो रहा है या नहीं हो रहा, बस खत्म। फिर कैसे कहूं देह छूट गई तो छूट गई, छूटेगी वो तो। हम कहते देह नहीं छूट रही है तो अभी तुम्हारी चिंता से क्या होगा ये बता, तुम्हारे विकल्पों से क्या होगा। वो आत्मन अपनी ओर देख, अपने स्वभाव की ओर देख, अपनी प्रभुता की ओर देख। हमने एक दृष्टांत ये भी दिया था, देखो भैया जैसे बहुत अच्छी गोलियां होती हैं सिर दर्द हुआ जी खा ली, बुखार आया जी खा ली, ऐसे ही तात्कालिक प्रयोग भी सीखो। जब तुम्हें दूसरों की प्रभुता आकर्षित करे तब अपनी प्रभुता का लक्ष्य करना। प्रभुता के लिए भीड़ नहीं है, संयोग नहीं है, इनसे हमारी क्या प्रभुता, इनसे न्यारी हमारी प्रभुता है, प्रभुत शक्ति है भीतर। अपनी ओर देखने का मतलब अपना स्वरूप देखो, अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने हित का विचार करो, और दूसरा वाक्य साथ में जोड़ो, अपने हित का विचार करो और अपने हित के लिए हित स्वरूप आत्मा का विचार, अपने हित का विचार करो। और हित कैसे होगा, कैसे होगा, बस यही विचार कर, कैसे कैसे ही करते रहोगे। हमने आपको कहा कैसे कैसे की ज्यादा शैली का प्रयोग मत करो, अपने हित के लिए हित स्वरूप जो आत्मा के लिए अत्यंत हिततम है। प्रवचन सार जी में क्या लिखा, जो आत्मा के लिए अत्यंत हिततम है, सुखरूप है, आनंदमय है, आत्म स्वरूप का विचार करो, पंच परमेष्ठी भगवंतों की भक्ति करो। लेकिन भक्ति करते हुए भी जो भूले हैं ये भूल मत आ जाए, चलते चलते रास्ता भूल गए तो भटक जाओगे कि नहीं है? भोजन बनाते बनाते कुछ भूल गए और कुछ की जगह कुछ डाला तो आखिर क्या होगा बता है? और ये पढ़ा था तुमने और परीक्षा में भूल गए तो क्या होए, फेल हो गए। यानी हम क्या कह रहे थे, भूल गए, अब भूल गए तो फिर उसका दंड तो मिलेगा। देखा देखी का मार्ग नहीं है, बिल्कुल मत देखो। ये अपनी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं, इनको अपने हिसाब से करने दो, तुम अपनी शक्ति के हिसाब से।
दोषों का अनुकरण तो करो ही मत, दोषों की ओर तो देख करके अपने परिणाम बिगाड़ो ही मत, मतलब उनकी निंदा करो या उनकी हंसी उड़ाओ, घृणा करो, दोषों की ओर तो देखना ही नहीं है। अरे दोष भी देखना है तो अपनी परिणति में कितने दोष धरे उन्हें देख देख करके दूर करो ना। दोष भी देखना है तो अपने देखो, अपने के देखने का मतलब अपनी परिणति में जो दोष चल रहे हैं उन दोषों को देख करके दूर करने का उद्यम करो। इस संबंध का कोई दृष्टांत याद है? देखो भाई, दूसरे का कैंसर भी अपनी पीड़ा का कारण नहीं, अपने में जरा सी फुंसी हो जाए तो पीड़ा का कारण, दूसरे के महादोष, दूसरे का मिथ्यात्व भी अपने लिए दुख का कारण नहीं है, और तुम्हारा राग का परिणाम, प्रशस्त राग का परिणाम वह भी तुम्हारे लिए आकुलता का कारण। समझ में आया ना? दोष भी देखना है तो अपने देखो, गुण भी देखना है तो अपने देखो, और गुण भी देखना है तो अपने में देखो। गुण एक तो गुण त्रैकालिक गुण है, त्रैकालिक गुण के अर्थ में भी गुण आता है, और गुण निर्मल परिणति को भी कहते हैं, विशेषण को भी गुण कहते हैं। जैसे मिश्री का गुण मिठास, अनंत भगवान का गुण, गुण 46 गुण का है, उसमें मुख्य चार अनंत दर्शन, तो गुण है कि पर्याय है? साधु महाराज के 28 मूल गुण, सेवक के 8 मूल गुण, गुण कहे यहां गुण माने क्या लेना, बोलो। निर्मल पंक्ति विशेषता है उसकी, जो उनमें पाए जाते हैं दूसरों में नहीं पाए जाते, ये उनके विशेष गुण हो गए, और सामान्य रूप से सब में पाए जाते वो सामान्य गुण हो गए। अपने गुण देखना हो तो अपने में भी देखो, बहुत अच्छा प्रवचन है, सुनो। अगर तुम्हारा उपयोग अच्छा है, तुम्हारी गुण ग्राहक दृष्टि इसलिए अच्छा लगता है, और तुम्हें अगर ईर्षा परिणाम हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ईर्षालु प्रकृति के लोगों को दूसरों की उन्नति नहीं सुहाती, दूसरों की प्रशंसा नहीं सुहाती, दूसरों के भोग संयोग पुण्योदय की सामग्री नहीं सुहाती, जिका तो क्यों नहीं सुहारी? अब दोष किसका? तो तुम्हें ये सुहाता है, इसका मतलब ये तुम्हारे में अच्छाई है, ये तुम्हारा गुण है, गुण ग्राहक दृष्टि है। एक चर्चा कही थी, देखो दोष तो बहुत थोड़े हैं, गुण तो अनंत है, गुणों का समूह, कैसी बातें सोचते हो महाराज, दोष ही दोष भरे, हमें कहा है, हमें कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, कैसी बातें सोचते हो, अनंत गुणों का समूह, दोष गुण तो अनंत है और दोष तो कितने थोड़े हैं, और एक समय की पर्याय में है, और गुण से त्रैकालिक भंडार भरा है। ऐसा समझने से दोषों का ज्ञान होगा, दोषों के प्रति गिलानी भी होगी, दोषों को दूर करने का उद्यम भी होगा, दोषों के प्रति लापरवाही नहीं होगी, परंतु ऐसी हीन बुद्धि नहीं हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते भैया, हमारा हम कहा हम कुछ नहीं, ऐसा नहीं, पतन नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, दोषों का ज्ञान होगा, दोषों को दूर करने के लिए भावना जगेगी, हैं जो प्रतिक्रमण आदि हैं वो भी सब होंगे, दोषों के दूर करने के लिए बार बार स्वरूप का भी लक्ष्य करेगा, लेकिन गिलानी भी होगी, सब होगा, लेकिन ऐसी हीनता नहीं होगी, ऐसी गिलानी नहीं होगी कि बस अब तो उठा के फेंक दें। कोई दृष्टांत याद है? एक तो मैला कचरा, कूड़ा कचरा, और एक मैला कपड़ा, उसको फेंकते हैं और इसको धोकर के साफ कर देते हैं। भैया दोष भी देखना है तो अपनी पर्याय में दोष चल रहे उनका दोष। एक आदत डालो आगम के अभ्यास से,
हर प्रसंग में हम अपना दोष देखने का प्रयत्न करेंगे। दूसरे का दोष दिखेगा तो उसे समझेंगे ये मोह का नाटक है, ये मिथ्या है, हे भगवान आपके प्रसाद से ये मिथ्या। क्यों? एक न्याय है, दूसरों के दोष से जीव दुखी नहीं हो सकता। दूसरों के दोष से जीव दुखी नहीं हो सकता, दुखी होने में केवल अपना ही दोष है। और जब तक नहीं दिखेगा तब तक दुखी ही रहेगा। क्यों? मूल दोष तो पनपता रहेगा और सामने वाले को दोष देता रहेगा। और गुण भी देखना है तो भैया अपने देखो, ऐसे कौन सा गुण है जो शक्ति रूप से तुम्हारे में नहीं है। मम शक्ति गुणग्रामो व्यक्त्याचय परमेश्वर, सिद्ध भगवान से एक भी गुण तुम में कम नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? किसा वर्तमान पर्याय में व्यक्त तो नहीं है? अरे व्यक्त हो जाएंगे। व्यक्त इसलिए नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी दृष्टि और स्वभाव की ओर नहीं है, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करोगे पुण्य बंद हो जाएगा, दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करोगे पाप बंद हो जाएगा, पुण्य पाप कर्म हो जाएंगे, धर्म नहीं होगा भाई। ये देखा देखी का मार्ग नहीं हुआ है। तो काय का मार्ग बोलो? ये स्वयं को देखने का मार्ग है, अंतर्दृष्टि का मार्ग है। अंतर्दृष्टि से ही मार्ग समझ में आता है और अंतर की साधना से, अंतर की लगन से ही मार्ग मिलता है। और मार्ग भी अंतर में है और मंजिल भी अंतर में। कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? पुराना ही है। अपन अपने घर में बैठे अपने को ही लगने लगता, चलो आप कौन घूमे आए, बहुत देर हो गए, चलो अपन घूम के आते, बाजार घूमना, चलो इधर देख इधर घूमना है। अब अपना घर और अपन वहां बैठे, तो घर में ही रहे, इसके लिए क्या उपाय? कौन सी सड़क चाहिए? घर में कुछ चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए? आप कहोगे नहीं चाहिए, आपको सही चिंतन चाहिए। आपका चिंतन सही चाहिए। जो चिंतन जो दृष्टि आपको बाहर में ले जा रही है, चलो बाजार घूमिया, कहा घूमिया, कहा देखें? जो बाजार में है वह देखने लायक नहीं है, लेने लायक नहीं है, भोगने लायक नहीं है। जो देखने लायक है, ग्रहण करने लायक है, भोगने लायक है, वो आत्मन तेरा अंतर में। अंतर की लगन से अंतर में मार्ग मिलता, अंतर का ही मार्ग है, स्थिरता का मार्ग है, चला चलता का मार्ग नहीं, स्थिरता का मार्ग, निर्विकल्पता का मार्ग है, निर्विकल्पता ही तो मार्ग है। विकल्पों का मार्ग नहीं, जो विकल्पों में उलझे रहते हैं भी इस मार्ग को नहीं पा रहे। जो समस्त विकल्पों को मिथ्या समझते झूठे हैं, अकार्यकारी हैं, अनर्थकारी हैं। क्या कहा? अकार्यकारी हैं और अनर्थकारी हैं, ये समझना। विकल्प जितने भी ये दुर्विकल्प होते हैं वह कार्यकारी भी हैं और अनर्थकारी भी हैं। तो जो जीव देखा देखी करते रहते हैं, तो जो जीव होंगे कोई, अरे बहुत बेव्यवहाराभासी हैं भैया, सही बात है। लेकिन ऐसा व्यवहाराभास यदि हम देखा देखी दूसरे जे चलें तो हम चलें, जे करें तो हम करें, जे सुने तो हम सुने, कितनी मतलब देखा देखी करते रहते। मोक्ष मार्ग में भी विचार करो, नहीं देखा देखी का मार्ग नहीं। देखा देखी धर्म कार्य भी, धर्म कार्य माने धर्म के बाह्य नैमित्तिक कार्य भी करने लगे, स्वाध्याय सुनने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे देखा देखी, तो अभी बिना स्वयं को देखे क्या होगा जी बता?
शास्त्र भी स्वयं को देखने की प्रेरणा करेंगे, भगवान भी स्वयं को देखने की प्रेरणा करेंगे, गुरु भी स्वयं को देखने की प्रेरणा करेंगे। आपको कहा था ना, इन अपनी ओर देखते हुए भगवंतों को देखकर यदि अपनी ओर देखना नहीं आया तो तुम्हारे दर्शन का क्या फल मिला ये बता। कोई दृष्टांत है तुम्हारे हमारे बोलो। हमने सोचा चलो मन नहीं लग रहा इनके कमरे में चलो चलते, और वहां देखा और वो बैठे, अरे समय तो टाइम होगा अपन समय कर लिया, बोलो आता है कि नहीं आता। भगवान अपनी ओर देख रहे और उनको देखा, अरे अपनी ओर देखो, यह सच्ची भक्ति। भगवंतों को देखकर भगवंतों की साक्षी में अपनी ओर झुक जाता है, नम जाता है, अपनी ओर देखने लगता है, वह परमार्थ भक्ति को प्राप्त होता है, उसे परमार्थ भक्ति। अथवा तो हम ये कहें वह भक्ति से भक्त से भगवान बन जाता है, और जो भगवंतों की ओर ही देखता रहता है क्या भगवान बनेगा। 4000 राजा जो ऋषभ देव को देखकर देखा देखी साध हुए थे चौथे काल के आदि में, वो लोग उनका क्या फल आया, भ्रष्ट हुए मोक्ष मार्ग। देखा देखी क्यों, भीतर से तो कुछ है नहीं, अब करें क्या हुआ, और आदिश्वर को भूख क्यों नहीं सताई। संगनन तो उनका भी वैसा ही था उस काल में, वे अंतर में देह से भिन्न आत्मा देख रहे थे, अतीन्द्रिय अंतर में झरते हुए अतीन्द्रिय आनंद में तृप्त रहते थे, और इन्हें भूख सता रही थी, क्यों, ये शरीर को देख रहे थे। शरीर को देखने वालों को भूख लगती है, आत्मा को देखने वालों को भूख मिटती है, तृप्ति होती है, क्या करें बोलो। लोभाधिक के अभिप्राय से, लोभाधिक का क्या अर्थ लेना, लोभाधिक का अभिप्राय, अधिक में और कसाई भी आ गई, लेकिन मुख्य रूप से लोभ लिया, इसका क्या मतलब। चरणान योग में विषयों की प्राप्ति की लालसा का नाम लोभ है मुख्य रूप से। तो वर्तमान में विषयों की प्राप्ति की लालसा, आगामी में स्वर्ग आदि की, और विपरीत में ले लें तो नरकादिक के भय से, आगामी में वर्तमान में प्रतिकूलताओं के भय से। जो जीव धर्म साधन करते हैं उनके भले वो ज्ञानियों को देख करके कर रहे हों और बाह्य क्रियाएं उनकी यथार्थी दिखाई देती हों, तो भी उन्हें अंतर में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। यदि धर्म कार्य करते हुए थोड़े से परिणामों में मंदता हो, परिणाम के अनुसार पुण्य बंद हो जाता है। यदि कभी तीव्रता अधिक हो जाए, माना अधिक हो जाए, तो फिर पाप बंद भी होता है परिणाम के अनुसार। तो लोभाधिक से, अरे लोभाधिक हो तो काय का लोभ, धर्म का लोभी। लोभाधिक भी हो तो काय का लोभ की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा इच्छा का होना लोभ है, यही तो परिभाषा है ना। अब किसी वस्तु की, अब इसका अर्थ क्या करोगे, अर्थ करो आत्मा को छोड़कर किसी अन्य वस्तु की, समझ में आया ना, आत्मा को छोड़कर किसी अन्य वस्तु की, मुझे सुंदर शरीर मिले, मुझे धन वैभव मिले, मुझे मान प्रतिष्ठा मिले, ये स्वर्ग के भोग संयोग मिले, किसी वस्तु में क्या लेना मुख्य रूप से, आत्मा को छोड़कर किसी अन्य वस्तु की। पर्यार्थिक नहीं थे बोलो, वितरागता को छोड़ करके किसी अन्य भाव की। निकांक्षित अंग में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या चर्चा की, नहीं वो तो श्राव कचार में आ गया।
धर्माराधन करते हुए धर्माराधन का फल निराकुल संतता है, वो अफल होता है, फल की वांछा ही नहीं रहती उसमें। परम धर्म अफल है, अफल है वो, अफल माने फल की वांछा नहीं। ऐसे ही ज्ञान का फल ज्ञान ही है, ये समझना, किसी ज्ञान में किसी अन्य फल की वांछा ही नहीं। कैसा सोखी कि ज्ञान तो आनंदमय होता ही है, उसमें वांछा क्या होगी। धर्माराधन करते हुए लौकिक भोगों की केशवत्वाद आदि ये सब लिया, नारायण पटनारायण चक्रवर्ती पद आदि की अभिलाषा, और एक शब्द और लिखा पर समयान अपी, लिखा ना शब्द कोई दूसरा होगा देख लेना, माने दूसरे धर्मों की अभिलाषा करना। काहे की अभिलाषा करती हो, बस एक ही बात रखना, मेरे न चाह कचोर ईश रत्नत्र निधि पाऊं, और रत्नत्र निधि की पूर्णता काय मैं रहूं आप में, आप लीन सो करो हो जो हो गया था। यह है लोहवाद की वंशा से रहित। एक बालक ने प्रश्न किया, राज किसी वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा का नाम लोभ है, तो आत्मा की प्राप्ति की अभिलाषा का नाम भी लोभ है क्या। हाँ सत्य कहता है वह प्रशस्त लोभ है, आत्मा की प्राप्ति की अभिलाषा ये प्रशस्त लोभ है, विषयों की प्राप्ति की अभिलाषा ये अप्रशस्त लोभ है। लोभ तो है, और सुनो आत्मा की प्राप्ति की अभिलाषा से आत्मा नहीं मिलता, मात्र अभिलाषा से आत्मा मिलेगा। अकलंगदेव कहते मोक्ष की अभिलाषा से मोक्ष नहीं मिलता, इसके नीचे के हमने आपको बताए थे, बोलो पुण्य की अभिलाषा से पुण्य नहीं होता, विषयों की अभिलाषा से विषय नहीं मिलते, सम्मान की अभिलाषा से सम्मान नहीं मिलता, भोगों की अभिलाषा से भोग नहीं मिलते। क्यों? भोग सम्मान आदि की ये सब पुण्य के उदय में मिलती हैं, और अभिलाषा पाप है इनकी। विषयों की अभिलाषा क्या बोलो, और पुण्य की अभिलाषा क्या है? पुण्य की अभिलाषा, अरे वो पुण्य काय के लिए, इसे सामग्री मिले तो वो भी अभिलाषा पाप हो गई कि नहीं। अब धर्म की अभिलाषा तो क्या पुण्य हो गया, तो धर्म कैसे होगा। मोक्ष की अभिलाषा तो क्या पुण्य हो गई, ये पुण्य कैसे हुआ। अरे आत्मा का की आराधना करने वाले को नहीं चाहने पर भी मोक्ष मिलता है, क्या कहा, आत्मा की आराधना करने वाले जीवों को नहीं चाहने पर भी मोक्ष मिलता है, आत्मा से विमुख जीव के चाहने पर भी मोक्ष नहीं होता। न मोक्षोपी मुमुक्षुता, आया आत्मख्याति थी का मोक्ष चाहने पर भी सामान्य जन बत्ते शाम, कैसा शब्द, सामान्य जन बत्ते शाम, सामान्य जीवों की तरह ही मोक्ष चाहने पर भी उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। जो पर का कर्ता मानते, पर को अपना कर्ता मान रहे, और ये सर्वत्र घटा लेना चाहिए। पुण्य का उदय हो, नहीं चाहता मान सम्मान धन वैभव भोग संयोग तो भी मिलते हैं। सम्यक दृष्टि कहता हमको नहीं चाहिए इंद्रादिक पद, और अगर उसकी तद्भव मोक्षगामी नहीं है तो कहां जाएगा, बोलो इंद्रादिक पद अपने आप मिलेंगे, कोई भूत भी अंतर में जाकर के पैदा होगा, विचार तो करो। यहां भी अगर शाकाचार्य जी ने पढ़ लेना सम्यक दर्शन का महात्म, पीछे से लोग आए ना, मनुष्य में भी आएगा, किसी गरीब के घर में जाएगा, विकलांग होगा, रोगी होगा, अल्पायु होगा, नहीं मानव तिल का सम्यक पुण्य के उदय में भोग नहीं चाहने पर भी होते हैं, पाप के उदय में चाहने पर भी नहीं होते। पाप के उदय में रोग आदि
बोलो, रोगाधिक नहीं चाहने पर भी होते हैं, नहीं चाहने पर भी होते हैं। हम नहीं चाहते बीमार पड़े, लेकिन वो हृदय है तो वो बीमार होता है उस प्रकार। कौन चाहता हमारा अनादर हो, कौन चाहता हमें दरिद्रता हो, कौन चाहता हमें रोग हो, लेकिन चाहने से थोड़ी वो काम चलेगा। जो पाप के कार्य है वो पाप अपना कार्य करेगा, पुण्य अपना कार्य करेगा। लौकिक में कोई दृष्टांत बता, मिश्री डालने पर नहीं चाहने पर भी मीठा होगा, और नमक डालने पर चाहने पर भी मीठा नहीं होगा। बोलो क्या हमका चाहते हैं भैया ये खारो हो जाए? हम जानते तुम काम बिगाड़ते हो, हमका चाहते बिगाड़ते हो। अरे बिगाड़, अगर नहीं चाहते तो योग प्रसाद क्यों नहीं करते, ये बता। योग प्रसाद करना चाहिए उसमें, तुम सब काम बिगाड़ देते हो, मानते नहीं हो तो मान। इसका मतलब क्या हुआ कि हमका चाहते काम बिगाड़े, कि नहीं चाहते तो भैया समझौता ना उसको। अगर नहीं चाहते तो भैया पाप के उदय में जैसे आपत्तियां विपत्तियां प्रतिकूलताएं नहीं चाहने पर भी होती हैं, पुण्य के उदय में बाह्य संपत्तियां अनुकूलताएं नहीं चाहने पर ही होती हैं। अपनी ओर देखने वाले को सम्यक दर्शन नहीं चाहे तो भी होता है, और दुनिया की ओर देखने पर। और आज यही दशा हो रही है, यहां चलो इनकी देंगे जी, हमें सम्यक दे देंगे जी, हमें दे देंगे जी, दे देंगे। ये बटने और बांटने की डिग्रियां नहीं है, उपाधि के भाव नहीं है, ये उपाधियां नहीं है, ये तो स्वाभाविक परिणाम है। धर्म मोल ना ही आवे है, सेवा उपासना से राजी करके किसी से ले जाने ली जाने वाली वस्तु नहीं है। क्या इधर उधर दुनिया की ओर देखने वाले जीवों को भी सम्यक तो चाहने पर भी नहीं होता, और अपनी ओर देखे तो सम्यक तो नहीं चाहने। आत्मा से आप दूर रहेंगे, सम्यक तो आपसे दूर होगा। आत्मा के सन्मुख आप होंगे, सम्यक आपके सन्मुख होगा। आत्मा ही तो सम्यक तो है, सही पूछो तो अभेद से। पर ये तीनों आत्मा ही है तू जानने से रीति से है, दर्शन सहित नित ज्ञान और चारित्र से साधु सेवी है। कि महाराज कैसी सेव है कि ये तीनों तो चरणानुयोग नीति प्रधान है, लोक व्यवहार की चर्चा वहां है। तो विषयों के लोभ को लोभ कहा या धर्म के लोभ को लोभ नहीं कहा, लेकिन अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करें कि महाराज फिर धर्म की प्राप्ति की वांछा होना ये भी तो लोभ है, हां ये प्रशस्त लोभ है। रत्नत्र की प्राप्ति की अभिलाषा ये भी तो लोभ है। तुझे ये लोभ दिखता है और वो लोभ नहीं दिख रहा है तुझे, ये भी लोभ है। तो सुन, इसको छोड़ करके स्वरूप के सन्मुख हो जा। लोग अकरंग देव ने यही तो कहा, अर्थ बोलना, मोक्षोपयसि न वांछ स मोक्ष मद गच्छति। जो मोक्ष को भी नहीं चाहता उसको मोक्ष होता है, मोक्ष के चाहने वालों को मोक्ष नहीं होता। इसलिए तू सर्व प्रकार से निर्वांछक हो, ऐसा तो नहीं है कि मोक्ष के प्रति निर्वांछक हो जा, रत्नत्र के प्रति निर्वांछक हो जा, आत्मा के प्रति निर्वांछक हो जाए और अन्य भोगों का वांछक बना रहे। सर्व प्रकार से निर्वांछक, अगर तुझे ये लगता है धर्म की प्राप्ति की वांछा भी लोभ है तो सर्व प्रकार से निर्वांछक हो जा। नीचे क्यों गिरता है? पीछे देखने का काम नहीं है, पीछे लौटने का काम नहीं है। विषयों की वांछा का तो पहले ही निषेध कर दिया। समयसार जी टीका में से बोलो, जो व्यवहार प्रति अप्रतिक्रमण है उसका तो पहले ही निषेध हो गया, अब यहां कहां से आ गया? अब हम जिस व्यवहार प्रतिक्रमण को विष्कुंभ कह रहे हैं तो कोई तीसरे अप्रतिक्रमण को बता रहे होंगे, पहले वहां क्यों जाता है उधर लौट? जब ये मोक्ष की वांछा भी लोभ है तो फिर विषयों की वांछा वो निर्लोभता कैसे हो गई?
उसके लिए तो निर्वांचक पहले ही कर दिया। भैया जूता चप्पल ही उतार दो तो बेटा वही उतारे आए। अब अगर तुम्हें प्रख्याल पूजा करनी है तो जी कपड़ों की उतार दे। जो पहले छोड़ दिए हैं उनकी अब चर्चा क्यों लेते हो दोबारा? भाई विषयों की वांछा पहले ही छूट गई, अब धर्म की वांछा आई तो धर्म की वांछा का उपाय विचार करो। तुम्हें धर्म की वांछा है? क्या सुंदर तुम्हारे भजन में लिखा है छोटी सी, तुझको भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई है दास उस वाणी पर श्रद्धा करो श्री वीर प्रभु की। क्या है वो वाणी? मोक्ष आत्म स्वरूप है, आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा की आराधना से होता है। अगर तुम्हें मोक्ष की वांछा है तो हे भव्य तू बाहर के सारे विकल्पों को छोड़कर सारी चिंता को छोड़कर एक स्वरूप की आराधना कर। स्वरूप स्वरूप की धुन लगा दे, रतन लगा दे, देखा देखी का मार्ग नहीं है भाई। मार्ग तो है लेकिन स्वयं को देखने का मार्ग है विचार।